बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब केबीसी में जो सोचते थे कि कभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं, वो पार्टिसिपेट भी किए और फिर एक अच्छा खासा अमाउंट जीत के भी जा रहे हैं। मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत खुश हूँ क्योंकि जो सपना देखा था वो सच हुआ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे केबीसी में जाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसका प्लान था ये? ये तो मतलब मेरा दोनों का प्लानिंग था कि इसमें आना है, लेकिन हमको लगता था कि शायद इसमें मेरा लक फैक्टर मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। तो फिर मेरी वाइफ बोली कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है और किसी को पता भी नहीं चलेगा अगर आपको नहीं होगा, लेकिन आपको हो अगर हो गया तो सबको पता चल जाएगा। तो इसीलिए ट्राई किए, मतलब फर्स्ट ये मतलब खुशकिस्मती का फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, और ये खुशकिस्मती का बात है कि सारे मुश्किल स्टेज को क्लियर करके हम यहाँ से अच्छा खासा अमाउंट जीत के जा रहे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि बचपन से केबीसी की फ़ैन रही हूँ, तो देखती थी तो लगता था कि वहाँ सर को देखना, सब कुछ देखना बहुत अच्छा लगा। तो इनसे मिली तो मैंने इनसे कहा कि आप जाइए, तो इनके वजह से ही मैं सर से मिल पाई, तो बहुत अच्छा लगा। जब आपका सिलेक्शन हुआ, जब आपके पास कॉल आया होगा, बेसिकली कॉल आता है केबीसी का, उस वक्त आपको क्योंकि काफ़ी फेक कॉल्स भी आते हैं, तो उस वक्त क्या माइंड में चल रहा था कि नहीं, मतलब इस तरह का कॉल आया ही नहीं, क्योंकि फेक कॉल तो पता चल जाता है आपको। लेकिन जैसे तुरंत पूछा कि आपका केबीसी में सिलेक्शन हुआ, आपको 3 सवाल का जवाब देना है, तो अगर फेक क्वेश्चन भी फेक कॉल भी रहेगा तो 3 क्वेश्चन का जवाब आपको देने में कोई हर्ज नहीं है, और सवाल का जवाब लेके फ़ोन कट हो गया, तो वो पता चल जाता है कि फेक कॉल नहीं था। 3 सवाल का जवाब सुन के फ़ोन कट हो गया, और उसके बाद फिर ये जून में आया था, मई में कॉल आया था ये, और जून में फिर हमको बुलाया लिया गया पटना ऑडिशन के लिए। तो मतलब अच्छा लगा कि मतलब जहाँ करोड़ों लोग ट्राई करते हैं वहाँ आपको 130 लोगों में आना, फिर वहाँ आके हॉट सीट में भी बैठने का सबको मौका नहीं मिलता है, वहाँ सब हॉट सीट पर आके बैठ के अमिताभ सर से बात करके फिर अच्छा खासा अमाउंट जीत के घर जाना, मतलब सब कुछ इतना तेज़ी से हुआ, बोल सकते हैं 27 सितंबर से लेके आज तक, जो मतलब बहुत दिन तक तो लगा कि ये सपना है या क्या है, तो फिर मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब पटना में ऑडिशन हुआ उसके बाद में जब सिलेक्शन हो चुका हुआ तो पटना में ही मालूम पड़ गया होगा, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? ये तो पटना ऑडिशन में नहीं मीन्स जब इन्हें फ़ोन पे कॉल गया होगा। हाँ, तो इन्होंने बताया कि अभी वहाँ कुछ पता नहीं चला है, बोला गया है कि आपको बता दिया जाएगा। तो मुझे लगता था क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास था कि इनको बुलाएगा, तो कोई भी कॉल जैसे आता था कस्टमर केयर से तो मैं ध्यान रखती थी कहीं केबीसी का कॉल तो नहीं है। और बाद में तो हम लोगों का प्लान हो गया कि दुर्गा पूजा में गांव जाएंगे, तब जाके कॉल आया कि आपको केबीसी के लिए बुलाया गया है, तो बहुत अच्छा लगा कि जो सपना देख रहे थे आज वो सच हो गया। बहुत ही मतलब अच्छा रिएक्शन रहा, फैमिली फ्रेंड्स और जो फ्रेंड्स नहीं भी हैं, फैमिली नहीं भी हैं, सबका बहुत ही अच्छा ये मतलब रिस्पांस रहा। देश के हर कोने से, हर राज्य से कॉल आना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, फिर मतलब ऐसा लगा कि जैसे हम हर परिवार का, देश के हर परिवार का, देश के हर राज्य का प्रतिनिधि के तौर पे खेल रहे हैं, और उस खेल में फिर जीत के सबके उम्मीद पे खड़ा भी उतरे, तो बहुत ही अच्छा फीलिंग है। पूरा इंडिया ही अमिताभ बच्चन सर का फैन है, लेकिन नॉर्थ में कुछ ज़्यादा ही हम बोल सकते हैं। जब आप दोनों फर्स्ट टाइम उन्हें देखे, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, जो कभी सोचे नहीं थे लाइफ में जो अमिताभ सर के सामने मतलब उनको कभी देख पाएंगे, तो थैंक्स टू सोनी एंड केबीसी जो उनसे मुलाकात हो पाया, उनसे बात हो पाया, और ये तो मतलब इस मेमोरेबल पल को ज़िंदगी भर याद रखेंगे, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। उस जब सर आए केबीसी के सेट पे तो कुछ देर के तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना चल रहा हो, जो सर को देख रहे हैं बचपन से टीवी पे फिल्मों में, तो सामने देखे तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। बाद में जब ये खेलने बैठे तो बात भी किए सर, तो बहुत अच्छा लगा। खेलने के पहले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस का आंसर देने पड़ते हैं, वो क्या क्वेश्चंस थे और कितना डिफिकल्ट था उस वक्त, क्योंकि 30-40 सेकेंड्स भी रहते हैं हमारे पास, जो सबसे कम समय में आंसर देगा वही सेलेक्ट होगा फर्स्ट सेट के लिए। हाँ, उसमें 15 सेकेंड मिलते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, तो उसमें मतलब ये मेरा था कि हम पहले से ही सोच के आए थे कि अगर मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो हम निकल जाएंगे, आसान क्वेश्चन में तो बहुत कंपटीशन है,
तो ऐसा हुआ भी, पहला क्वेश्चन टफ था तो उसमें मैं दूसरे स्थान पे था, दूसरा क्वेश्चन आसान था तो हम किसी स्थान पे ही नहीं थे, और फिर तीसरा क्वेश्चन टफ आया तो उसमें मेरा निकल गया। तो ये पता रहना चाहिए आपको कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, क्योंकि और वीक पॉइंट क्या है, ये दोनों पता रहना भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो हमको पता था कि टफ क्वेश्चन आएगा तो हम निकल जाएंगे, तो हम टफ क्वेश्चन का ही वेट कर रहे थे, वो आया और मेरा नंबर आ गया। जैसे कि आपने कहा कि जून में कुछ आपका ऑडिशन होगा पटना में, उसका मतलब जून या तीन जुलाई, हम मंथ में या जून कंफ्यूज है। जुलाई में भी हाँ उसका मतलब एक दो महीने का टाइम भी, तब तीन चार महीने का ऊपर का टाइम था, तो कुछ प्रिपरेशन कुछ किए थे कुछ मतलब एक्स्ट्रा, क्योंकि काफ़ी जनरल नॉलेज क्वेश्चन आते हैं इसमें हम बोल सकते हैं। हाँ मतलब केबीसी का प्रिपरेशन के लिए आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप कुछ प्रिपेयर करके वहाँ जाए तो सक्सेस हाथ लग जाएगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमको ये क्वेश्चन आ भी रहा है बहुत सारा कि केबीसी में कैसे सक्सेस पाया जाए। इस तरह का शो का फॉर्मेट इस तरह से बनाया गया है कि आप इसमें एक सेट फॉर्मेट और फार्मूला पे स्टडी करके नहीं हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा एनालिसिस है कि अगर आप इसमें अपने आप को कंटिन्यू अपडेट करते हैं मेरिट के हिसाब से और आसपास घटने वाली घटनाओं पर नज़र रखते हैं देश दुनिया में, तो इसमें सक्सेस मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से हर कोशिश करने वाले को पहले केबीसी में जो ट्राई कर रहे हैं उनको पहले खुद को अपडेट करें, तब ट्राई करें, तब यहाँ के सक्सेस जरूर हाथ लगेगा। ये तो हर एपिसोड में हम देखते आ रहे अच्छा, हैं। बीबीसी कुछ हेल्प मिली थी इन ड्यूरिंग क्वेश्चन आंसर नहीं सेशन? एक्चुअल में इस शो का फॉर्मेट में उनका कोई रोल ही नहीं रखा गया है कि उनको मतलब मदद करने का ये मिले, इस तरह का कोई लाइफलाइन नहीं है। लेकिन वो वार्निंग देते रहते हैं बीच बीच में कि आपको तुक्का नहीं मारना है और श्योर आप हो तो वही आप श्योर बोलिए। हो तो ही दीजिए। तो एक तरह से ये भी आप बोल सकते हैं कि वो जगाने का काम करते प्रतिभागी को, अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हो गेम खेलते खेलते कि, तो वो आपको बीच बीच में एक तरह से वार्निंग दे दे के जगाते रहते हैं जो प्लीज़ आप थोड़ा सा, ये लाइफ टाइम में किसी एक बार में एक आदमी को मौका मिलता है करोड़ों में, और आपको एक ही बार मौका मिला है ज़िंदगी का, तो इसको यूटिलाइज़ कीजिए अच्छे से। ये ना सिर्फ गेम के दरमियान, वो ब्रेक में भी इस चीज़ को आपको याद दिलाते रहते हैं। तो ये आपको, ये भी एक पुश फैक्टर है आगे बढ़ने का, मैं मदद करती है आपको जीतने में। शुद्ध आप ही बच्चन सबसे मिल ली, तो क्या क्या बातें हुई कुछ अगर शेयर कर सके हमसे, तो क्या क्या उन्होंने कुछ बताया होगा? यही कि आपकी शादी मतलब इन्होंने जैसे बताया लव का मैरिज मैरिज थी तो ये कैसे हुआ, तो फिर आप पैसे का इन्होंने बोला कि इनको दे देंगे तो क्या करेंगी, यही सब। तो मीन्स ये नॉर्मल बातें हम बोल नॉर्मल सकते हैं। एकदम इजीली, बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, क्वेश्चंस की बात करें तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आए हैं काफ़ी, तो फिर क्या क्या डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे जिसमें आपको लगा कि ये काफ़ी डिफिकल्ट रहा मेरे लिए, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो हाँ सबसे ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट वो क्वेश्चन वो कौन सा था, सबसे कितने ज़्यादा के लिए था? डिफिकल्ट तो हमको जो पूरा 15 सवाल में लगा मेरा, हम रेलवे में काम करते हैं और रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन हमको डिफिकल्ट लगा, जो उसमें पूछा गया था कि सबसे मतलब स्वच्छ बता बता रेल, सकते हैं क्या क्वेश्चन, जो सबसे स्वच्छ स्टेशन इंडिया का कौन सा है, वो 2 अक्टूबर को उसका स्वच्छता सर्वेक्षण रिलीज ही हुआ है और 4 अक्टूबर को वो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, तो वो हम नहीं दे पाए। तो ये हमको बहुत ही मतलब अफसोस वाला लगता है, क्योंकि हम रेलवे में स्वच्छता ही देखते थे और उससे भी हम नहीं जवाब दे पाए, तो यही मुझे बोल सकते हैं सबसे टफ भी लगा। और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि सबका आंसर हमको पता था, बस इसी का नहीं पता था, तो इसमें लाइफलाइन उसी लिए है, तो उसका यूज़ किया आगे बढ़े वहाँ तक पहुँचे। 7 करोड़ का क्वेश्चन जो था जिसमें हमने ट्वीट किया, आपको नहीं लगा कि अगर और उसका वो क्वेश्चन का जो आंसर था क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अब हाँ ये कंग्रेचुलेशन करने का तो मन थोड़ा नहीं सा किया अजीब है आपका कि हम 1 करोड़ का जो क्वेश्चन था अमेरिका का इतिहास उससे जवाब दे दिए और 7 करोड़ का क्वेश्चन भारत के इतिहास से रिलेटेड था हम नहीं दे पाए। अफसोस तो है, लेकिन ये नहीं अफसोस है कि पैसा नहीं जीत पाए, वो तो आपको जो अपना आप अचीव किए वही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वहाँ इस केबीसी में आके 1 करोड़ रुपये जीत के जा रहे हैं, एबी सर से बात करके जा रहे हैं, पूरा मतलब आप इसी से फेमस हो गए हैं, तो यही है कि मतलब इसका अफसोस नहीं है कि 7 करोड़ नहीं जीते। हर कोई कोई यही पूछता है कि इसका अफसोस है कि नहीं है, हम बोले इसका कोई अफसोस नहीं है, पैसा तो कभी सोच के भी नहीं आते कि 1 करोड़ भी जीतेंगे, तो ये भी जो जीत के जा रहे हैं ये बहुत बड़ा बोनस है, तो बस खुशी है कि यहाँ आए परफॉर्म किए अच्छा खासा किए एक लैंडमार्क अचीव किए, तो बस। अब पटना से क्या क्या रिएक्शन मिले? पटना क्या, मुझे पूरा देश से रिएक्शन मिला है, मतलब फेसबुक में मेरा पहले भी 2-3 हज़ार फ्रेंड था, अभी तो लगता है 5,000 टच कर गया है, तो मतलब और सबका प्रोफाइल देखे हर स्टेट से कॉल आया, मैसेज आया व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, थोड़ा
लग रहा था कि जैसे मतलब, और जो फोन पे भी बात किए, अनजान लोग फोन कर रहे हैं तो सबका हम फोन उठा भी रहे हैं, तो वो सब ऐसे खुश होकर बात कर रहे हैं जैसे हम उन्हीं के बदले खेल रहे थे और वो वही जीते हैं। तो ये मतलब दिखाता है कि मतलब हर आदमी, मतलब इस देश में जो एक जो बोल सकते हैं भावना है, मतलब कितना स्ट्रांग है कि वो दूसरे के खुश पे भी ऐसे खुश होते हैं जैसे खुद खुश खुद वो कुछ अचीव किए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा इस मैं देश आपको का। तो आप पे भरोसा पूरा था, इसलिए आपको उन्होंने अप्रोच किया हम बोल सकते हैं, लेकिन आपको कितना कॉन्फिडेंट था अपने आप पे कि हाँ मैं इतना कर पाऊंगा, ये लेवल पे चला जाऊंगा, करोड़ मैं 1 करोड़ जीत सकता हूँ। हाँ मतलब ये एक टारगेट था मेरा और कॉन्फिडेंस भी था कि वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन इस तरह से फॉर्मेट रखा गया शो का कि आपको मिक्स और टफ का, ये मतलब टफ और इजी का मिक्स इजी का क्वेश्चन आता है, बीच में आपको टफ भी आ जाता है, 40,000 में भी टफ आ जाता है। तो आप ये श्योरली नहीं बोल सकते कि आप 1 करोड़ या 7 करोड़ तक पहुँच पाएंगे, तो ये मेरा खुशकिस्मती रहा कि हम वहाँ तक पहुँचे। ये मतलब कॉन्फिडेंस था, बट कोई श्योर नहीं हो सकता है कि वो वहाँ तक पहुँचेगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम ही को बैठा दिया जाए तो वहाँ तक ना पहुँच पाए। तो ये एक तरह से लक प्लस मेरिट का कॉम्बिनेशन है। मैम आपको क्या क्या रिएक्शन मिले, क्योंकि आपका बहुत बड़ा हाथ है हम बोल सकते हैं इनकी कामयाबी के पीछे, करोड़ के पीछे। हाँ सब बधाई दे रहे हैं कि तुम्हारे पति यहाँ तक पहुँचे हैं, परिवार वाले जितने भी जाने पहचाने वाले, तो बहुत अच्छा लग रहा है। 1 करोड़ में करना क्या है सबसे बड़ा प्रश्न, क्योंकि बड़ी अमाउंट है। हाँ ये 1 करोड़ में तो जो मेरा पटना में घर लेने का एक सपना है वो पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि सोचे थे 5 साल बाद जो पैसा जमा करेंगे तो उससे लेंगे, तो वो लग रहा है कि 6 महीना साल भर के भीतर ही सपना पूरा हो जाएगा। और फिर मेरी वाइफ थोड़ा सोशल मैटर्स पे स्टैंड लेती हैं, जो कि अच्छा बात है, हम नहीं ले पाते लेकिन ये लेती है, तो मतलब हम अप्रिसिएट करते हैं। ये बोलती है कि मतलब इस पैसे से ज़्यादा नहीं तो 40-50 हज़ार करके 4-5 लड़कियों का हर साल मदद किया जा सकता है, तो हम वो अप्रिशिएट करते हैं, साथ हैं, और हो सकता है इस पैसे से इसका भी ये ख्वाब पूरा कर पाए। लड़कियों की मदद की बात की मैम, तो किस तरह से किस प्रकार से आप मदद करेंगी उनकी? पहले तो जो जो है अच्छे फैमिली से, जिनके पास पैसे का इनकम है, तो उनको कोई इतना दिक्कत नहीं है। जो किसान फैमिली से हैं, गरीब किसान जिनके पास मजदूरी करते हैं, तो उनके शिक्षा के लिए, शादी में जैसे बाराती तक का खर्च का नहीं पैसा होता है, उन सब के लिए मदद करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे फैमिली व्यूअर्स को और अपने जानने वालों को जिन्होंने इतना प्यार दिया आपको पूरे इंडिया हाँ से? चाहने वालों को तो मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना चाहेंगे, मतलब उनके लिए तो शब्द ही नहीं है जब हम रिएक्शन देखें पूरा देश भर का, और जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे से कॉल आया है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, अलग देश के अलग अलग हिस्सों से, सबको थैंक यू बोलना चाहेंगे। और KBC में के व्यूअर्स को जो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे उनको बोलेंगे कि ट्राई करने से पहले खुद को अपडेट कर लीजिए, ताकि तभी यहाँ आके सक्सेस हाथ लगेगा। यही कि कोशिश करिए, थोड़ा जीके आसपास देखिए, पढ़िए, समझिए, और ये मत सोचिए कि नहीं होगा, इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा, पर कोशिश करिए, ये मेरा मन।